जहां पर भी दूसरी और तीसरी वेव आई है पहली लहर से, वो 2.5-3 गुना बड़ी है, क्योंकि इसमें जो नया वायरस बना है वो तेजी से फैलता है, घातक कम है मगर तेजी से फैलता है और फैलने का दर उसका ज्यादा है। हमारे वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं और सभी प्रकार के जो जो चीजें आपने कही, ऑक्सीजन इंपोर्ट करने का निर्णय कर लिया गया है, दूसरी बात ऑक्सीजन की कमी स्टॉक करने के कारण अभी दिखाई पड़ती है, कुछ राज्य इसको स्टॉक करना चाहते हैं, करना भी चाहिए उनको अपनी अपनी प्रदेश की जनता के लिए, परंतु इसका भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इसका एक स्टॉक टेकिंग माननीय प्रधानमंत्री जी ने ले लिया है। जहां तक इनके इंजेक्शंस का सवाल है, रेमडेसिविर के इंजेक्शन का सवाल है, उसके लिए भी हमने निर्यात को तुरंत रोक लगाई, 3 गुना बनाने के लिए हमने कैपेसिटी को बढ़ाने का भी सभी कंपनियों के साथ मीटिंग कर भारत सरकार ने एक उद्दीपक की भूमिका निभाकर एक निर्णय करा है। टोसी की उपलब्धि के लिए भी ये निर्णय करे गए हैं। और जहां तक टीके का सवाल है, हमने एक बहुत महत्वपूर्ण नीतिगत फैसला लिया है कि यूएस, यूके, जापान और WHO जिस टीके को मान्यता दे चुके हैं इनको यहाँ कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तो मुझे लगता है कि अर्ली मई में वो टीके भी हमें उपलब्ध हो जाएंगे, तब तक हम टीका लगाने की हमारी कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे और स्पुतनिक का जो हमने परमिशन दिया है वो भी अर्ली मई में हमें बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा और उसकी बॉटलिंग की व्यवस्था के लिए भी भारत सरकार ने एक मीटिंग कर अच्छे से एडवांस में ही व्यवस्था करी है। तो मई शुरू होते होते ये सारी चीजें अपने आप दिखाई पड़ेगी, मगर इसका और कोरोना फैलने की गति का कोई लेन देन नहीं है। हर जगह पे जहां जहां दुनिया में दूसरी और तीसरी लहर आई है, पहली लहर से दूसरी लहर ज्यादा तीव्र है, दूसरी से तीसरी लहर ज्यादा तीव्र है, क्योंकि वायरस अपना स्वरूप बदलता है और वायरस दवाइयों को भी एडजस्ट अपने आप को कर रहा है।